हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आइए मैं आपको शांति से रूबरू करवाता हूँ। फ्रेंड्स बी पॉजिटिव, एग्ज़ाम आने वाला है आपका और इसीलिए माइंड के शांति का मैं बात कर रहा, दिमाग के शांति का बात कर रहा। तो सो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और कौन इस वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आइए वीडियो पर चलते हैं। दोस्तों मैं शांति के बारे में एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो माइंड के कूलनेस की बात है, जो माइंड के रिलैक्सेशन की बात है, उसके बारे में एक चीज़ आपको बता दूँ। जो होता क्या है ना, जो एग्ज़ाम टाइम में आप लोग बहुत सारे मोटिवेशन वीडियो या बहुत कुछ ऐसा देखना चालू कर देते हो, उससे क्या होता है, जो आप कुछ ज़्यादा ही इसमें इन्वॉल्व होने लगते हो, उसमें आपका टाइम किल होने लगता है। तो मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप अगर अपने अंदर की जो है ना, आप अपने अंदर जब तक एक क्या एक ज्वाला जो कहते हैं ना लोग, एक ज्वाला जब तक आप अपने अंदर नहीं जगाओगे, या जब तक आप ये नहीं सोचोगे जो मुझे कुछ करना है, मुझे पाना है, तब तक दोस्तों आप कितना भी मोटिवेशन या कुछ भी देख लो, कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो बहुत ज़रूरी है जो अपने दिमाग को शांत करके और अपने अंदर कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, तभी दोस्तों जाके कुछ होगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ दोस्तों, कुछ भी कर रहे हो, एक छोटा सा छोटा काम या बड़े से बड़े काम कर, आप अपने मन के अंदर एक गांठ बांध लो कि मुझे कुछ करना है, और कंफर्ट जोन से जब तक आप लोग बाहर नहीं निकलोगे, तब तक दोस्तों कुछ भी नहीं होगा। तो सो मैं यही एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो हमेशा बी पॉजिटिव एंड लिमिटलेस, किसी भी चीज़ के प्रति इतना दृढ़ निश्चय कर लो जो मुझे ये करना ही है। तो सो बी लिमिटलेस अपने जो भी आपका लक्ष्य है उसके प्रति। तो आइए मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ दोस्तों। जैसा कि मैंने बहुत सारे लोगों का ये सुना है, जो एग्ज़ाम को कैसे हैंडल करें, एग्ज़ाम के प्रेशर को कैसे हैंडल करें, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो आप कैसे 550 प्लस से 600 के बीच या 80 ज़्यादा आप ला सकते हो। अगर आप ये चीज़ करोगे तो आपको अभी भी टाइम है जो आ सकता है। मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला हूँ जो आ सकता है, बशर्ते आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ, आप सब लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए, जो आप लोग का 720 का एग्ज़ाम होगा और 180 क्वेश्चन आएंगे आपके, तो एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते हो, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आप लोग को ये भी क्वेश्चन ये चीज़ पता होगा, जो 90 क्वेश्चन आएंगे बायो में, 45 केमिस्ट्री में एंड फिजिक्स में 45, इसमें भी दो सेक्शन हो जाएगा जूलॉजी एंड बोटनी का। तो आपको इतना पता है, 360 बायो से आएगा, 180 का केमिस्ट्री से और एंड 180 का फिजिक्स से। तो इसमें कोई भी नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको ये चीज़ पता होगा। अब एक चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, या किस तरीके से आप अटेम्प्ट करो जो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आ पाए। तो उसके लिए मैं दोस्तों ये कहना चाहूँगा, जो सबसे पहला टारगेट आप बायो का रखो, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी से उठा भी सकते हो और आते भी हैं। 360 मार्क्स दोस्तों, मेंस में 360 मार्क्स के टोटल होते हैं, बट आपको नीट में 360 मार्क्स के एक सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जो इस चैप्टर्स को और इस सेक्शन को कितना अच्छे से आप कर सकते हो। तो सबसे पहला टारगेट आप लोग एग्ज़ाम रखना बायो का, और मैं यहाँ पे लिखा हूँ 300 एंड 310 से प्लस में आपको क्वेश्चन करना है दोस्तों, क्वेश्चन नॉट मार्क्स उठाने हैं। क्योंकि एक्चुअली मेरे कुछ दोस्त हैं और मैंने बहुतों से सुना है, जो उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छा होता है, बट वो कहीं ना कहीं सॉरी बायो और केमिस्ट्री अच्छा होता है और फिजिक्स में वो मात खा जाते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ आप एक हथियार तो आप रखो जिसमें आप एकदम बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहो, नहीं इसमें मेरा नंबर कम नहीं होगा चाहे जो भी हो जाए। तो ये चीज़ आपका बायो का काम करेगा, ये काम आपका
बायो करेगा। तो दोस्तों मैं तो कहूँगा 300 से कम का सोचना भी मत, चाहे आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, अभी भी टाइम है, अच्छे से पढ़ो। तो ये सोचना भी मत जो आपको उससे कम आएगा। तो 310 से प्लस ही लाने का कोशिश करना, 320 330 आ जाए एकदम है, ओके। उसके बाद अब केमिस्ट्री पे, केमिस्ट्री में मैंने रखा है 110 से 20, क्योंकि आप इससे ला सकते हो। केमिस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो आप वहाँ से उठा सकते हो। और तीसरा मैंने सबसे यहाँ पे लिस्ट रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फिजिक्स में प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ से अगर आप 100 और 110 भी लाते हो तो उठाने के लिए आप तो 180 में 180 भी लाना, बट एक मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ जो आपको इससे नीचे नहीं लाना। तो आप लोग 100 से कम का मत सोचना, क्योंकि एक अच्छा कॉलेज चाहिए तो 550 से ऊपर ही लाना दोस्तों, एक अच्छा रेपुटेटेड गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। तो अब बात करते हैं जो अटेम्प्ट कैसे करना है। अटेम्प्ट कैसे करना है, आपको एग्ज़ाम हॉल में सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन मिले ना, तो आप ये चीज़ ज़रूर आप नज़र दौला दोहरा लेना, जो आपसे एक नज़र देखने पे कौन से क्वेश्चन बन जाते हैं। यानी कि वो होता है ना, वन आई साइट में, कहने का मतलब एक नज़र में कौन से क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो क्वेश्चन का जो लेवल होता है, बहुत हर एग्ज़ाम में दोस्तों क्वेश्चन का एक इजी, मीडियम एंड हार्ड होता है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं, 5-6 क्वेश्चन जो बहुत ही एफर्ट डालने के बाद ही बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो उस क्वेश्चन पे आपको ध्यान भी नहीं देना है, आपको ध्यान ये देना है जो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। ये नहीं जो यानी कि डिफ़िकल्ट पे लगे रह गए, क्वेश्चन स्किप करने का आदत डालो, इस सेंस में स्किप करने का डालो, जो यानी कि मान लो एक क्वेश्चन आप बता रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन बना रहे हो, अब ये नहीं बनना है तो आप इस पे टाइम दिए जा रहे हो, दूसरे पे बढ़ नहीं रहा। तो उस सेंस में, क्योंकि आपको टाइम बचाना है, आपके पास 3 घंटे हैं और आपके पास क्वेश्चन 180 क्वेश्चन है, तो स्किप करना ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग ये ज़्यादा कोशिश करना जो जो क्वेश्चंस बनते हैं उस पर एफर्ट करना, सबसे पहले इजी क्वेश्चन देखना। और हाँ, एग्ज़ाम में सबसे पहले आप लोग बायो को, बायो करना है, उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स। बायो में आप लोग मेरी भी चांस है 45 to 50 मिनट से ज़्यादा मत देना बायो में, क्योंकि बायो में आपको जो याद है वो आएगा, और जो नहीं याद है उसमें गलती की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसमें इतना देने के बाद आप लोग केमिस्ट्री में 51 आवर देना हार्डली, और इसके बाद जो भी टाइम बचे फिजिक्स में देना आप लोग। और एक चीज़ मैं कहूँगा, जो लास्ट में प्रैक्टिस अभी से आप लोग ऐसे करो ना, कहने का मतलब घर पे ही इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लो 3 घंटा में। जो अगर मेरा पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो वो वीडियो जाके देख लेना, उसमें मैं बहुत ही अच्छे से क्लियर किया हूँ जो आप लोग को कैसे पढ़ना है, तो वो कर लेना। और लास्ट में कम से कम 15 से 20 मिनट इतना ज़रूर रख लेना जो आप ओवरव्यू के लिए, जो क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या गलत है, क्या सही कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। और एक चीज़ और सबसे बड़ी बात होती है, अच्छा चलो इस पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये जो OMR है ना, प्लीज़ OMR को बहुत ही केयरफुली पढ़ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पता है उनको आता हर कुछ है, बट वो बहुत ज़्यादा OMR में ही गलती कर जाते हैं, तो वो तो कंपटीशन से उसी टाइम आउट हो जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले OMR बहुत ही अच्छे से फिल करना। दूसरा, लेट आपको नहीं होना है एग्ज़ाम हॉल में, बहुत कोशिश करना बहुत ही पहले पहुंचने का, मोबाइल फोन को अवॉइड करना। और एग्ज़ाम के प्रेशर में आपको, एग्ज़ाम का प्रेशर आप लोग नहीं लेना, एग्ज़ाम का प्रेशर आप लोग बहुत लेते हो। और एक चीज़ मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जो हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ कॉमन होगा, और ये चीज़ कॉमन ये है जो दोस्तों, प्लीज़ अवॉइड करो बात करना, कहने का मतलब दोस्तों से हो या फिर अगर आपके कोई गर्लफ्रेंड्स हैं या
कोई गर्लफ्रेंड्स वाले देख रहे हो तो अगर आपके बॉयफ्रेंड्स हैं तो इस चीज़ को थोड़ा सा कम करो, क्योंकि होता क्या है, कभी कभी झगड़े हो जाते हैं तो सिर्फ से आपका दिमाग स्ट्रेस में चले आता है और आप जितना बेस्ट देना चाहते हो वो नहीं दे पाते हो, तो इस चीज़ से अवॉइड करो। क्योंकि देखो, अगर आप अच्छे कर लोगे दोस्तों तो ऑब्वियस सी बात है, एग्ज़ाम के बाद, रिजल्ट के बाद आप बहुत अच्छे से बात कर सकते हो। उनको कन्विंस करो, आप अपने दोस्त को कन्विंस करो, अगर वो रूठ भी जाती हैं, रूठ भी जाता है तो उनको कन्विंस करो जो कुछ अच्छा करना है लाइफ में। क्योंकि अगर आप अच्छा कर लोगे ना तो हर कोई आपको वैल्यू करेगा, और अगर आप अच्छे नहीं कर रहे हो तो कोई भी नहीं वैल्यू करेगा। तो उनको आप मनाओ, जो बस कुछ दिनों की बात है, हर कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर जितना मन हो छुट्टी में बात कर लेना दोस्तों। और एक चीज़ और, सिली मिस्टेक पे बहुत ही फोकस करना। आप लोग अभी भी टाइम है, 3 घंटे का स्लॉट हमेशा रखो और देखो जो कितना आप लोग सिली मिस्टेक करते हो, सिली मिस्टेक आपका नंबर कम कर देगा। क्योंकि आप क्या होता है, आप बायो और केमिस्ट्री में नंबर उठाते हो और आप लोग को चाहते रहते हो, गेस वर्क मत करना, गेस वर्क चाहते रहो तो नहीं ठीक सही हो जाएगा। आप लोग चीट कोड्स जो है यूट्यूब पे बहुत देखते हो, तो ये सब चीज़ें दोस्तों बहुत कम टाइम काम आता है। इस चीज़ें में, गेस वर्क में ज़्यादा से ज़्यादा गलती ही होने की संभावना है, बहुत कम क्वेश्चन गेस वर्क में सही होते हैं। तो मेरे विचार से तो गेस वर्क तो मत ही करना, जिस पे 110% कॉन्फिडेंट हो वो चीज़ उसी पे टिक लगाना। और दूसरी बात, OMR सही से भरना, ये मत कि जो पहले सारा कर लेते हैं फिजिक्स बायो और ये और उसके बाद वो करते हैं, क्योंकि अगर आपका एक भी वो गलती हुआ, सीक्वेंस गलती हुआ, मान लो 1 का ए आ है तो ए में लगा रहे हो, फिर आप 3 का देख लिए बी है और होगा 2 का भी, तो ये बहुत ही गलती हो जाएगा। इस चीज़ को आप मत करना। जब जिस चीज़ पे कॉन्फिडेंस लगे, जिस क्वेश्चन पे ये सही है, उस टाइम में उसको फिल कर देना, उससे आपका टाइम भी बचेगा और आप कन्फ्यूजन से भी नहीं रहोगे। और एक चीज़ मैं बताऊंगा, अगर आप लोग एग्ज़ाम हॉल में अपने आप को काम डाउन रख सको, पैनिक मत करना, और जितना से जितना ज़्यादा आप काम रखो और अच्छे से एग्ज़ाम देना दोस्तों, बिना कुछ दिमाग में लाए हुए। और अभी टाइम है, अगर आप लोग जितना कर सकते हो अच्छा उतना अच्छे से करना। और एक चीज़ और मैं कहूँगा, अगर आप लोग को किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप लोग प्लीज़ वीडियो कमेंट करना मत भूलना, और कमेंट प्लीज़ आप लोग प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना। और अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब करो हो तो प्लीज़ बेल बटन को दबा देना, क्योंकि जो भी अपडेट्स आ पाए वो आप तक पहुंच पाए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो लाते रहता हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू गाइज़।